तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा इस रेसिपी है साबूदाना का, क्योंकि अभी रमजान आ गया। ये चीज़ बहुत अच्छा है, मैं फ्रूट से बनाऊंगी। तो मैंने साबूदाना लिया तो और दूध लिया, तो चलिए गैस की तरफ मैं एक एक करके देते जाऊंगी और बोलते जाऊंगी इसमें फ्रूट देने का। फ्रूट्स हम बाद में देंगे, लेकिन दो फ्रूट सबको मैं दिखा देती हूँ, शायद आप लोग को पता नहीं चलेगा देने के बाद, इसलिए मैं पहले दिखा देती हूँ। ये खरबूजा है, देखिए इसका अंदर थोड़ा पिंक पिंक होते हैं खरबूजा है। ये मैं फ्रूट्स दूंगी, क्योंकि और बात बाकी जब दूंगी आप लोग को पैसन में आ जाएंगे, शायद ये खरबूजा आप लोग को पैसन में नहीं आएंगे, इसलिए मैं देख करूँ। और ये दूसरा येलो कलर का खरबूजा है, इसको भी खरबूजा बोलते हैं, लेकिन इसका अंदर सफेद सफेद रहता है। तो ये फ्रूट्स मैंने देखे थे और बात बाकी मैं आपको जब दूंगी देखाते जाऊंगी, ठीक है। तो गैस का तरफ से लिए तो कढ़ाई बैठा दिया, मैं कढ़ाई में दूंगी थोड़ी सी बटर, ज्यादा नहीं दूंगी, थोड़ी सी ही दूंगी। तो मैं इसी में दे दूंगी साबूदाना, मैं धो के लिए साबूदाना। एक मिनट जैसे हम तलाते जाएंगे, बटर मैं इसीलिए दिया क्योंकि जब दुकान से हम लेके आते हैं कभी कभी देखना बस साबूदाना में कभी कभी बास आता है, तो इसलिए बास को मिटाने के लिए मैं थोड़ी सी बटर दिया। तो मैं अब इसी में ऐड करूंगी दूध, एक कप जैसे मैंने दूध लिया, दूध ऐड करूंगी। ये दूध मेरा बॉयल हुआ है इसलिए मैंने दे दूँ, पहले मैंने बॉयल करके रख दिया। साबूदाना व दूध उसमें उबला आ गया, तो मैं उसमें दूंगी एक फूटा हुआ इलायची का पाउडर। और इसमें मैं ऐड करूंगी अभी चीनी। मीठा जिसको जितना चाहिए उस सबसे चीनी ऐड कीजिएगा। तो फिर मैं 2 मिनट जैसे पका लूंगी। देखिए साबूदाना हमारा बन गया, पक गया। देखिए साइड साइड में मोटा भी हो गया, दूध हमारा उबल के कम हो गया तो मोटा हो गया। तो हम अभी गैस बंद कर देते हैं और ठंडा कर लेते हैं, फिर हम फ्रूट इसमें देंगे। तो देखिए साबूदाना हमारा ठंडा हो गया, क्यों ठंडा होने के बाद ही फ्रूट देगा तो अच्छा है, क्योंकि फ्रूट जैसे हमारा अंगूर अगर है थोड़ा खट्टा मीठा रहता है, दूध फटने का चांस रहता है। तो देखिए अच्छी तरह से ठंडा हो गया, तो मैं एक एक करके फ्रूट्स देखते जाऊंगी और बोलते जाऊंगी। मैं पहले दे रूँ एप्पल, देखिए छोटा छोटा पीसेस करके मैंने ले लिया। और दूंगी मैं आप लोग को जो खरबूजा दिखाया, जो एक पिंक रहता है एक सफेद रहता है, मैं हाथ धोया हुआ हाथ से ही दे रूँ, तो सफेद वाला वो जो येलो वाला दिखा रहा था ना, पिंक येलो येलो वाला है खरबूजा, तो इसके सफेद रहता है। और जो दूसरा जो रहता है मैं बताई थी जो पिंक पिंक रहता है, ये देखिए हल्का गुलाबी कलर जैसे। तो मैंने एप्पल दिया, दो तरह के खरबूजा दिए, और दिया मैंने अभी दूंगी मैं कलिंगा यानी वाटरमेलन, वो दे रू मैं कम ज़्यादा आप कर सकते हो। और दूंगी मैं दो तरीके से अंगूर ब्लैक और ग्रीन, दोनों तरीके मैं अंगूर काट के लिए, क्योंकि जब बच्चे लोग खाते तो स्पून में आना चाहिए, इसलिए मैं काट काट के दिया। तो आप ऐसा भी आप दे सकते हो, तो मुझे जो सही लगा मैंने ऐसा किया। तो मैं अभी दूंगी थोड़ी सी अनार, फ्रूट्स को भी आप दे सकते हो। और इसमें मैं ऐड करूंगी 1.5 चम्मच जैसे रोज वाटर, खुशबू बहुत मस्त आता है इसमें। रमजान का महीना है और इस टाइम ऐसे बना के खाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ऐसा हम बना के फ्रिज में हम रख देंगे, क्योंकि 1.5 घंटे का बाद जैसे आपको ठंडा जैसा चाहिए वो सब सबको रखना है, 1 घंटा 1.5 घंटा आधा घंटा, फिर निकल के सर्व करने का। इतना इजी तरह से बन जाता है, देखिए। तो चलिए मैं सर्व करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, अगर रमजम का स्पेशली रेसिपी कैसे लगा जरूर मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। और अगर आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे सपोर्ट करना। तो फिर मिलते नया वीडियो का साथ। ओके, बाय बाय।